नमस्कार। स्टेटमेंट टीवी पर सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों पर आयोजित एक कृषि कार्यक्रम के समापन समारोह को ऑनलाइन संबोधित किया। उम्मीद थी कि आज वह पीएम किसान की 10वीं किस्त जारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े 12 करोड़ से अधिक किसानों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। पीएम किसान की 10वीं किस्त 25 दिसंबर तक जारी हो सकती है। डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद की मारामारी हो गई है। किसान सुबह जब यूरिया के खाद के लिए के लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन सरकारी खाद बिक्री केंद्र पर किसानों को खाद नहीं मिल रही है। हालांकि प्राइवेट ट्रेडर्स के पास यह खाद उपलब्ध है, लेकिन सरकारी खाद बिक्री केंद्र पर यूरिया नहीं मिल रही है। आज भी फतेहाबाद में सरकारी खाद बिक्री केंद्र पर यूरिया के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी। गांव के ढाणक में खेत की रखवाली करने वाले एक व्यक्ति ने आज आवारा पशु को भगाने के चक्कर में गोली चला दी। यह गोली आवारा पशु को तो नहीं लगी, लेकिन यहां पर ड्यूटी कर रहे बेलदार सुरेश को लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरेश को हिसार रेफर किया गया है। हरियाणा सरकार प्रदेश में कोरोना वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वाले नागरिकों के परिजनों को अनुग्रह सहायता देने की तैयारी में जुट गई है। इस सहायता के तहत मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए प्रदेश में सर्वे शुरू कर दिया है। गांव गोरखपुर में नहर किनारे वन विभाग द्वारा काटे जा रहे पेड़ों के चलते आज 18 वर्षीय मजदूर गुरप्यार निवासी गोरखपुर के ऊपर कटा हुआ पेड़ आ गिरा। पेड़ गिरने से मजदूर गुरप्यार की मौत हो गई। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।